भी जो राजकुमार सैनी के साथ बैठेगा वो स्वयं भी दूषित हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ राजनीतिक मंच साझा कर करके किसी का कोई थोड़ा मोटा अस्तित्व है हरियाणा की राजनीति में, वो अपना अस्तित्व मिटा लेगा। राजकुमार सैनी से तो वैसे भी बचना चाहिए। जो हरियाणा के भाईचारे को तोड़ने वाले लोग हैं, जो कास्टिज्म के नाम पर इस प्रदेश में आगजनी करवाने वाले लोग हैं, उनसे तो बहुत दूर रहना चाहिए, उनसे तो मिलना भी नहीं चाहिए। मैं ये एडवाइस वैसे मीडिया के लोगों को भी करूँगा, कहीं वो आपको भी प्रभावित ना करें, इसलिए उनसे मीडिया भी, उनकी सोच दूषित है और उन्होंने हरियाणा के भाईचारे को तोड़ने का काम किया, हरियाणा के अंदर आगजनी करवाने का काम किया। जो कुछ भी हुआ, एक तो वो बीजेपी के स्पॉन्सर्ड हैं, LSP जो है वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड पार्टी है बैक एंड पर, और दूसरा जो है वो मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ कि वो जहर घोलने वाला व्यक्ति है, जहर मिटाने वाले नहीं है। तो पॉइजन से तो वैसे भी दूर रहना चाहिए, थोड़ा जो है ना इस मुश्किल तो है इस पर विश्वास करना, मगर अगर ऐसा होता है तो फिर वो माइनर पार्टी कहलाएगी, मेजर पार्टी का अस्तित्व भी खो देगा। करवाई क्योंकि 3800 वोट आई, 3800 वोट का अधिकार जताती है BSP। मैं मानता भी हूँ कि वो 3800 वोट BSP की डली होंगी, और क्योंकि उनके एक बड़े नेता ने कहा कि हमारे एजेंट का वोट कहाँ गया, तो उनके एजेंट का वोट जो है वो BJP को गया, ये तय हो गया। लोकसभा को लेकर के 10 की 10 सीटों पर प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, मैं भी एक प्रभारी हूँ, मैंने भी अपनी रिपोर्ट दी है पार्टी को, और जल्दी कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट सबसे पहले हम करें। हम किसी को नहीं गिराएंगे, हम किसी को गिराकर किसी को उठाकर नहीं, हम अपनी लकीर को बड़ा करना जानते हैं। हमने किसी की लकीर आज तक काटी नहीं, ना ही हम नकारात्मक सोच रखते हैं। ये काम अगर कांग्रेस का अधिकार क्षेत्र में है और उनके ज़्यादा विधायक हैं तो उनको अधिकार जताना चाहिए। ये एडवाइस मुझे लगता है कि उनके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। हम किसी को गिराएंगे नहीं, किसी को बढ़ाएंगे नहीं, हम अपनी पार्टी और अपने विचारों को बनाकर हरियाणा प्रदेश के गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे। लेना चाहिए, निश्चित तौर पर लेना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि ज़्यादा विधायक किसी अन्य दल के पास है तो फिर उन्हें उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये राइट है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से दिल किसी का अलग है ही नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का इस प्रदेश के अंदर विरोधी भी आदरमान करते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक ऐसी हस्ती हैं जिनकी उंगली पकड़कर हम राजनीति सीखे हैं, हम भी उनका विरोध नहीं करते। पार्टी का काम तो करेंगे ना, जैसे आप मीडिया में अपने चैनल का काम करोगे, अब ये भाई जो है ये अपने चैनल का काम करेंगे, इसी हिसाब से वो अपनी पार्टी का काम करेंगे, हम अपनी पार्टी का करेंगे। लोकसभा चुनाव का मुद्दा इस देश के किसान और गरीब को पार्लियामेंट में चौधर दिलवाना, वहाँ पर उसको ताकत दिलवाना, सरकार का हिस्सा दिलवाना, और सरकार के बजट में उतनी एलोकेशन होनी चाहिए जितनी उसकी पॉपुलेशन है, ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। मैं उस घोषणाओं को, जो घोषणाएँ पहले की थी वही पूरी नहीं हुई, आगे वाली कैसे पूरी हो जाएंगी, 4.5 साल में नहीं कर पाए, मुझे मुश्किल लगता है कि वो 9 महीनों में कुछ कर पाएंगे। मैं जींद की जनता के लिए सदैव तत्पर रहूंगा, मैंने जो वहां पर वादा किया है मैं उसको निभाऊंगा। तो देश में जब जब प्रधानमंत्री आए हैं वो ऐसी पॉलिसीज लेकर के आए हैं जिससे आम जनमत को नुकसान हुआ है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां जब बचेंगी नहीं। आज हरियाणा में क्राइम ग्रोथ रेट नेशनल क्राइम ब्यूरो ये कहता है कि वो हुड्डा की सरकार से भी 2% बढ़ चुका है। इसी हिसाब से चाहे फसल बीमा योजना की बात हो वो भी नुकसानदेही है। इसी हिसाब से हरियाणा में जो सबसे पहले आए थे उनने 1 rank 1 pension की बात की थी, वो भी पूरी नहीं की। तो हरियाणा में जब जब वो आए हैं उसका कोई खासा फर्क नहीं पड़ा।